बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ का जो बहुपद चैप्टर है उसका प्रश्नावली 2.5 करेंगे। ये प्रश्नावली बच्चों थोड़ी लेंदी है, जैसे कि आप देखेंगे इधर पे आपका 4 क्वेश्चन, उसके बाद आपका इधर भी क्वेश्चन देखिए 6, 5, 6, 7 करते करते आपका कितना है बच्चों, 16 क्वेश्चन तक है, ठीक ना। अगर इसको मैं एक वीडियो में बनाऊंगा तो ये नियर अबाउट 2 घंटे से ऊपर जाएगा, 3 घंटे के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी समझाना होता है बच्चों। तो इसको हम पार्ट में करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, 1-1 घंटे का, ठीक ना। तो उसमें बच्चों ये प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए आप देखोगे इसमें स्वर समीकरण दे रखा है काफ़ी, ठीक ना। देखिए यहाँ से शुरू है आपका, इसमें स्वर समीकरण दे रखा है बुक में, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक ना। तो पहले इन स्वर समीकरणों को मैं लिखा लेता हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा भी लिखवा देंगे, थोड़ा सा आसानी होगी आपको, ठीक ना, उसको समझने में। चलिए पहले स्वर समीकरण लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले स्वर समीकरण या फार्मूला भी उसको बोल सकते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक ना। स्वर समीकरण ना बच्चों, ये इसको आप फार्मूला भी बोल सकते हो, कोई ये नहीं है, ठीक ना। नहीं कंफ्यूज मत होना कि स्वर समीकरण और क्या है यह, ठीक। चलो अब जो है बुक करते हैं साइड में, स्वर समीकरण लिख लेते हैं, ठीक ना। देखो अब इसमें पहली स्वर समीकरण सबको याद होगी, ठीक ना। आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, चाहे इसको आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक ना। इसी प्रकार से आप एक्स माइनस भी पढ़े होंगे, ए माइनस चाहे एक्स माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक ना। अब देखो इसी प्रकार से तीसरी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना बच्चों। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई या दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, ठीक। अब देखना एक स्वर समीकरण मैं इधर बना रहा हूँ, देखो एक्स प्लस ए दे एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दे एक्स प्लस बी, ठीक ना। देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक ना, तब आपका होगा एक्स स्क्वायर, देखो ये याद करिएगा आप लोग, थोड़ा सा आपके लिए नया भी हो सकता है, प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद पांचवें नंबर का देखेंगे सरसम का, तो ये आपका हो जाएगा जैसे ए भी पढ़े होंगे आप लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े होंगे। देखो आपको ये याद होगा पहला वाला, ठीक ना, दूसरा याद होगा, तीसरा याद होगा, चौथा थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा तो इसको आप समझ लीजिए, ठीक ना। पांचवा भी आपको याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक ना। देखो पहले एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, फिर 2 गुणे पहला और दूसरा, ठीक ना, प्लस 2 गुणे दूसरा तीसरा, फिर 2 गुणे तीसरा पहला, ठीक ना। तो इसको हम शेड्यूल में लिख दिए हैं, एक्स जेड कर दिए हैं। अब देखो छठवां वाला, अरे ये 5 हो गया ना, 5 हो गया, 5 हो गया, चलो छठा देखते हैं। छठा आपका हो जाएगा एक्स प्लस माइनस वाई का होल क्यूब, देखो है प्लस माइनस करने का मतलब, या तो माइनस रहे तभी ये होगा और ये प्लस रहेगा तभी, ठीक ना। मैं कर देता हूँ, देखो एक्स क्यूब प्लस माइनस, देखो प्लस के लिए प्लस लेना है, माइनस के लिए माइनस लेना है, ठीक, वाई क्यूब प्लस माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस प्लस माइनस वाई, इसको समझ लीजिए बच्चों, थोड़ा आगे नहीं लिखने के लिए मैंने ऐसे कर दिया हूँ। देखो अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है
ठीक ना। तो एक्स क्यूब अगर प्लस है तो सब प्लस होगा, ठीक ना, अब माइनस है तो सब माइनस होगा, बीच में घट रहा है यहाँ पे तो सब माइनस, प्लस है तो सब ऐड होगा, ठीक। चलो अब एक और लिख लेते हैं बच्चों, सातवां नंबर वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स टाई एक्स जेड, ठीक ना बच्चों। चलो अब बच्चों इसी क्रम में ये आपका सरसम का पूरा याद हो जाना चाहिए, इसी का इतना ही सरसम का यूज है। चलो ये सरसम का हो गई, अब चलते हैं प्रश्नावली पे। कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका कि उक्त सरसमकाओं का प्रयोग करके, मैंने जो भी मैंने लिखा है यही चीज़ आपका बुक में दिया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये लास्ट वाला सरसमका मैंने यही लिखाया है, ठीक ना। कह रहा है उक्त सरसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन ऐसे ऐसे करके सबका गुणन करना है, गुणा करना है, गुणनफल का मतलब गुणा करके जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो दिखाना है, ठीक ना। चलो शुरू करते हैं, देखो थोड़ा सा ये प्रश्न नंबर वन है, वन आपका कह रहा है एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन, इधर का ना, ठीक है। तो अब देखो इस सरसमकाओं में, सभी लोग समझो, जो सरसमका नंबर चार है x प्लस ए एक्स प्लस बी, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, यह दो ठो एक होना चाहिए, उसके बाद एक a है और एक b है, एक अलग है और इसमें भी एक अलग है, ठीक ना। तो ये सरसमका लग जाएगा, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक ना। इसको क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस x एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे प्लस ए बी, ठीक ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सरसम का, आप लोग देखिए हम इसी सरसम का रख रहे हैं इसी वाले पे चौथे नंबर पे, ठीक ना बच्चों, ठीक। तो ये आप अगर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस टेन प्लस फोर इंटू टेन, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो ये चार और दस चौदह, चौदह गुड़े एक्स चौदह एक्स प्लस दस चौको चालीस, ठीक है, दस चौको चालीस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, किसी कोई डाउट कमेंट में तुरंत पूछिए। चलिए अब बच्चों इसका पहला हो गया, बार बार बच्चों बुक यहाँ पे दिखाएंगे ना तो बहुत डिले होगा, मैं सीधे क्वेश्चन लिख के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। अब दूसरा कह रहा है, इसका दूसरा बुक में दे रखा है ना, एक्स प्लस एट एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टेन, ठीक ना। तो देखो अब एक्स प्लस एट दे दिया एक्स माइनस टेन दिया, सर आपने तो ऐसे लिखाया था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस ए बी, सर प्लस था माइनस वाला तो आपने बताया नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है, यहीं पे आपको काम कर लेना। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समझेगा सभी लोग क्योंकि नाइन्थ क्लास के बच्चे आप लोग हैं, देखो एक्स प्लस एट, क्या इसमें हम एक्स प्लस माइनस टेन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, कैसे देखो समझ लो यहीं पर फिर बाद में तो कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो ये x प्लस माइनस टेन है तो ये प्लस अगर अंदर जाएगा, मतलब इसको अगर हम तोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, x आई प्लस अंदर जाएगा तो माइनस टेन, ये नहीं मिलेगा, देखो ना ये ब्रैकेट के अंदर है, अब प्लस जाएगा तो नो चेंजिंग, तो x माइनस माइनस टेन वही चीज़ मिल जाएगा, इस पर कर लो। चलो अब इस पर करने का मतलब ये है, अब फार्मूले पर हो जाएगा ना, दोनों प्लस हो गया ना, देखो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स एट प्लस माइनस टेन, देखो एकदम जैसे इसको माने वैसे रखते जा रहे हैं, ठीक ना।
प्लस 8 इंटू माइनस का 10, ठीक ना। अब देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये 8 है, अब इस प्लस को अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10। तो जब 8 है और ये हो जाएगा माइनस 10, देखो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इतना देखो सभी लोग समझो पहले, x 8 प्लस माइनस का 10, ठीक ना। तो x है, 8 है, ठीक ना, ये प्लस अंदर जाएगा तो माइनस का 10, ये हो जाएगा x इंटू माइनस 2, हाई एक्स में माइनस 2 का होगा तो माइनस 2x होगा कि नहीं होगा, होगा सर, माइनस है, ठीक ना बच्चों। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 2x, आया प्लस 8 और माइनस 10, 10 उठे 80, माइनस 80 आ तो हो जाएगा माइनस 80, ठीक ना। बस ये तो आपका आंसर है, क्या इसमें बहादुरी है, फार्मूला खुद से बना लो प्लस माइनस इधर उधर करके, ठीक ना बेटा। चलो अब अगले चलते हैं। अब इसी का तीसरा देखेंगे, वन का तीसरा, ठीक ना। वन का तीसरा आपका है 3x + 4, एक ब्रैकेट में 3x - 5। फिर देखो वही सिचुएशन आपका ला दिया, कन्फ्यूजन नहीं होना है, सर ने बताया है क्या करना है, प्लस करके माइनस 5 कर देना है, फिर उसी फार्मूले पर रख लेना है। देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो ऐसा काम नहीं करना है आपको, ये दोनों सेम नहीं होगा बेटा तो आपको वैसा काम नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x एक ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस का 5 प्लस, देखो फार्मूला में क्या था, एक्स स्क्वायर, देखो ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्या आ जा रहा था, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ये नहीं कर रहे थे। तो देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स का स्क्वायर, देखो इस एक्स का स्क्वायर जो पहला है उसका स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इसी पहले को ब्रैकेट के बाहर किया है तो मैं पहले को ब्रैकेट के बाहर कर दिया, फिर 4, तो 4 का मतलब ये, अरे एक्स का मतलब ये और ये बी का मतलब ये, देखो जोड़ रही है, हो जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस का 5, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, देखो ना 3x - 3x 9 का स्क्वायर, प्लस नहीं होगा, देखो इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस 1, देखो 4 है आई प्लस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस के 1 से इसमें गुणा करो तो क्या जाएगा माइनस का 3x, ठीक ना, क्या होगा बच्चों माइनस का 3x, और ये हो जाएगा 5 × 20 माइनस का 20, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सब बच्चों कटपीट इसमें हो गया, इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक ना। अब चलो इसी का चौथा पार्ट देखते हैं बच्चों, बहुत तेजी से नहीं पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे ही चैप्टर तो बहुत लेंथी है। करें वाई का स्क्वायर प्लस 3/2, यहाँ पर हो जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक ना। तो अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है यार, देखो सर ने बताया था कि अगर दोनों, देखो एक्स प्लस ए होगा एक्स प्लस बी होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अब तो इसमें दोनों सेम हो गया, देखो ए बी तो इसको कर भी नहीं सकते हो, देखो वाई का स्क्वायर प्लस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में वाई का स्क्वायर माइनस 3/2, तो एक फार्मूला और आपको लिखवाया है, देखिए आप समझिए इसको, यहाँ पे पहले फार्मूला बता दें कौन सा यूज हो रहा है, ठीक ना, वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला मैं लिखवाया था अभी पीछे, देखिए आप लोग लिखे होंगे, तो उसी हिसाब से देखो एक वो प्लस माइनस है, इधर उधर करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा बच्चों, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, बस आगे पीछे है, हालांकि वो सेम कंडीशन है, मैं इसको पहले भी लिख सकता था, इसको माइनस को इधर कर सकता था, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे 2 में 3 का गुणा करें तभी छः होगा, ठीक है, 2 × 3 या 3 × 2 करें तभी सही होगा, 6 होगा ना, उसी प्रकार से भी है, ठीक। अब देखो इसी फार्मूले पर रख रहे हैं, तो ये वाई का स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर चलेंगे, देखो ये को माइनस है वो प्लस है, सब कुछ क्या है बराबर है, तो पहला का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस दूसरा क्या है 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो y का स्क्वायर का मतलब y पावर 4, ठीक ना, y पावर 4 माइनस 3/2 गुणे 3/2, 3×3=9/4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना बेटा। चलिए अब चलते हैं इस प्रश्नावली के सबसे लास्ट वाले पे, पांचवे नंबर पे, इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का सबसे लास्ट पांचवा, 3 − 2x 3 + 2x, देख लो उसी फार्मूले पे, पीछे वाला ही फार्मूले पे एकदम दे दिया, बिल्कुल आसान है, आप लोगों को तो अब तक कर लेना चाहिए, हमारे बच्चे कर भी रहे होंगे उधर। चलो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर − 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 − 4x स्क्वायर, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा, सीधे फार्मूले पर रख दिया देख लो, ठीक। चलो तो मैंने यहाँ तक कर लिया, समझ रहे हैं, मैंने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक ना। अब दूसरा करना है, करा है सीधे गुणा किए बिना, देखो करा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलो करते हैं इसको, इसी फार्मूले पे बन जाएगा बच्चों, टफ नहीं है, नहीं कि कंफ्यूज हो जाए और लगे घबराने, नहीं बिल्कुल नहीं, बस करते जाना है। चलो ये कराया है पहला 103 × 107, ठीक ना, तो 103 को क्या लिख सकते हैं 100 + 3, है ना, गुणे 100 + 7, ठीक ना। तो अब देखो ना, एक फार्मूला ये वाला बन गया, देखो फार्मूला लिख दे रहे हैं, फार्मूला ये बन रहा है x + a माने थे जी, x + a x + b, तो क्या आ जाएगा x² + xa + b a × b, देखो इस तरह से कुछ फार्मूला लिख पाए थे, देखो वही बन गया, ठीक ना। चलो अब इस पर सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर + 100 एक ब्रैकेट में 3 + 7 + 3×7 या 3×7 बोल सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आप 100 का स्क्वायर का मतलब क्या 1, 2, 3, 4, 100 का 100 में गुणा करोगे तो 4 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 10,000, ठीक ना, + 7, 3, 10, देखो यहीं पे करते हो 7, 3, 10 और 10 हो जाएगा ये दोनों जोड़ने के बाद, और 10 × 100 = 1000 + 7 × 3 = 21, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो मिलेगा 11021, ये आपका हो जाएगा आंसर, जोड़ के देख लो, ठीक है बेटा। चलो अब दूसरे का अगला करते हैं, दूसरे का दूसरा 95 × 96, ठीक ना, क्या आपको दे रखा है बच्चों 95 × 96, ये भी उसी प्रोसेस पे कर दो, 90 + 5 90 + 6, फिर उसी फार्मूले पे कर दो 5 + 6 + 5 × 6, ठीक ना। देखो आप मिलाओ फार्मूले से, अपने से खुद करते जाओ बच्चों, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे देख लो, मैं तो लगा ही रहा हूँ, ठीक। तो ये 90 × 90 99 81 00, ठीक ना, प्लस देखो 6 5 11 11 × 90 11 99, 1 0 बढ़ रहा है, बढ़ा लोगे 6 5 30, इसको आप जोड़ लो, इसको आप जोड़ो, देखो यहीं से इसको जब आप लोग जोड़ोगे तो ये चीज़ हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा, जोड़ के देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बच्चे डायरेक्ट लिखेंगे तो सोचेंगे कि कैसे सर लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 09 10 9, इसको पहले जोड़ दिया, ठीक ना, समझ गए। अब फिर उसके बाद इसमें 30 जोड़ दो, 0 देखो 0 9 3 12 2 7 1 1 0 1 900, ये आपका हो जाएगा 91 20 आंसर, 9120, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना बच्चों। आगे बढ़ते, चलिए तीसरा वाला है बच्चों, दिया है आपका
104 गुणे 96, ठीक ना। तो अब देखो 104 गुणे 96 है, तो यहाँ पे 100 प्लस 4 कर दिए, और यहाँ पे करना पड़ेगा 100 माइनस 4, ठीक ना। तो 100 माइनस 4 होगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक ना। 100 का स्क्वायर मतलब 1, 2, 3, 4 प्लस 4 चौको 16 बराबर हो जाएगा 1, 2, 1, 6, ये हो जाएगा 10,016, ठीक ना, हो जाएगा बच्चों। बच्चों इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी बच्चों। देखो यहाँ पे फार्मूला में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस होगा ना, देखिए होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो अब जब माइनस करोगे तब आपका हो जाएगा 9,984, घटा के देख लो, ठीक ना। इसके लिए बच्चों सॉरी क्षमा चाहते हैं कि मैंने प्लस कर दिया, ठीक ना। ये जल्दीबाजी में हो गया बच्चों, कि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बने, ये गलत है, ठीक। चलो अब इसके बाद ये दूसरा भी ख़त्म हो गया, क्योंकि देखो आप लोग दूसरे में आपका क्वेश्चन मात्र 3 था। अब इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा करा है उपयुक्त सरसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए, ठीक ना, निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए। चलो आप करते हैं इसमें, चलिए अब हम इसमें देख रहे हैं तीसरा का पहला करें, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई का स्क्वायर, इनका इसका गुणन खंडन करना है आपको। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, देखो इसको करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस, ये बीच वाला थोड़ा सा छोड़ रहे हैं बच्चों, आपको तभी समझ में आएगा, ये हो जाएगा प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो हम इसको लिखेंगे अगर 2 इंटू देखो 3x इंटू वाई, तो क्या हमको ये मिल जाएगा, 3 × 6 इंटू एक्स वाई। तो अब देखना मैं कैसे लिख दिया सीधे ऐसे कि इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने जब देखा ये प्लस है, ठीक ना, और दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो इसमें एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो वही फार्मूला आपका मिल गया, x का स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर किया सही आ गया, इस y का स्क्वायर किया सही आ गया, अब 2 इंटू 3x इंटू वाई, ठीक ना, फिर भी मुझे ये मिल जा रहा है, देखो नहीं मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा ये वाला मैं कंडीशन बीच में रखा हूँ ये वाला, ठीक ना, फिर भी क्या हो रहा है, ये मिल जा रहा है। तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा क्या, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना। बस ये तो करना, मैंने आपको एक फार्मूला सॉल्व कर दिया है, फार्मूला क्या किया है सॉल्व कर दिया, अब वापस से आपको फार्मूला ज्ञात करना है, ठीक ना, इसी फार्मूले पे वापस से लौट के आना कि क्या क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलो अब इसका दूसरा कर लेते हैं, करें 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, अब देखो माइनस दे दिया, तभी मत घबराओ मत, 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक ना। अब आप देखिएगा, अब हम यहाँ पे माइनस 2 गुणे 2y कर सकते हैं गुणे 1, थोड़ा छोटा हो गया बच्चों, इसको कवर कर लेना, 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि हमको ये फार्मूला नहीं मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस रूप में लिखा है, इसको आगे पीछे करने कोई आंसर अंतर नहीं पड़ता है। तो 2y का स्क्वायर माइनस हाई, देखो हाई गुणा करोगे 2 × 4y, कोई डाउट नहीं, प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर को और क्या क्या लिख सकते हैं,
टू वाई माइनस वन, एक ब्रैकेट में टू वाई माइनस वन, ठीक ना बच्चों। चलो अब इसी का लास्ट है, तीसरा का लास्ट, तीसरा। चलिए अब हम देखते हैं जो तीसरा का तीसरा था उसको। कह रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई हंड्रेड, ठीक ना। इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड कौन सा बहादुर का चीज है जी। देखो ये तो फार्मूला आपको दिख रहा है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपान टेन, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपान टेन, बस आंसर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको फैला देना है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अब चलो चौथा, इसको पहले समझिए आप लोग। उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ये फार्मूले पे आपको फैला देना है, फार्मूला है उसी पे लगा देना है, ठीक ना। जो जो मैं फार्मूला लगाया हूँ सब इसमें मिल जाएगा, थोड़ा सा आपका टेक्निकल इसमें लगाना होगा कि माइनस प्लस वाला इशू होगा उसको देख लेंगे। चलो अब जो है बच्चों, अब जो है चौथे का पालन, देखो फार्मूला लिखते जाएंगे बच्चों, कन्फ्यूज नहीं हो गया आप लोग कौन सा फार्मूला नहीं यूज हो रहा है। टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, क्या बच्चों आप लोग देखिए अपने जो शुरू में फार्मूला लिखे हैं कहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किए हैं, वही फार्मूला लगेगा। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, यही फार्मूला यूज होगा, उसी पे इसको प्रसार कर देना है, बात खत्म। चलो देखो अब इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर देखो सबका स्क्वायर हुआ है, फिर प्लस दो एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। चलो एक्स का स्क्वायर प्लस टू वाई का स्क्वायर प्लस फोर जेड का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू वाई प्लस टू इंटू टू वाई इंटू फोर जेड प्लस, देखो इसी फार्मूले पे लिख रहे हैं, ये वाला x है माने हैं इसको, y माने हैं इसको, z माने हैं, देखो इसको x माने हैं इसको y इसको z, ठीक। प्लस टू इंटू फोर जेड इंटू एक्स, ठीक ना, सबका गुणा कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस फोर वाई का स्क्वायर प्लस सोलह जेड का स्क्वायर। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चार गुणे चार जेड इंटू चार जेड, ठीक ना। प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स वाई प्लस सोलह वाई जेड प्लस आठ जेड एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, एक बार और मैं मिला ले रहा हूँ इससे, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है बच्चों सही है, ठीक ना। कहीं कहीं पे एक्स जेड भी देगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलो अब इसका दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा कह रहा है बच्चों 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब बच्चों इस जगह पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप x प्लस वाई प्लस जेड का बताए हैं, इसमें एक माइनस दे दिया, तो फिर अगर माइनस दे दे रहा है ना तो 2x प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर प्लस हमको मिल जाएगा। देखो इस प्लस को, देखो इस प्लस को अगर अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, यही चीज़ मिल जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नो सर। जेड का स्क्वायर अब हो जाएगा x का स्क्वायर का मतलब हाई, पहला हाई x है हाई y है हाई z है, तो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x है ना था तो x का क्या है 2x, ठीक ना, इंटू माइनस y प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस टू इंटू जेड इंटू टू एक्स,
ठीक है बच्चों, अब बस कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना सबको। स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार गुणा, क्यूब पर आएगा तो तीन बार गुणा, तो ये 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बारीकी देंगे, देखेंगे यहाँ पे आप गलत कर सकते हो, माइनस कर दोगे। देखो माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या, देखो यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस वाई गुणे माइनस वाई, माइनस माइनस का गुणा वो क्या हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक ना, कहाँ से प्लस है, तो यहाँ से ये चीज़। ठीक ना बच्चों, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस, देखो नहीं नहीं यहाँ पे प्लस नहीं होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। देखो अभी मैं करने के बाद बताऊँगा कैसे होगा। देखो इसका गुणा करोगे तो दो दूनी चार एक्स, एक वो प्लस है एक वो माइनस है, तो माइनस होता है गुणा होगा तो, ठीक ना, हो जाएगा माइनस फोर एक्स वाई, सबका गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, गुणा तो आता होगा आपको। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा, माइनस टू जेड वाई या वाई जेड, इससे किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना, प्लस प्लस दो दूनी चार, ठीक ना, तो ये हो जाएगा दो दूनी चार, देखो दो दूनी चार है जेड है बच्चों, ठीक ना, दो दूनी चार जेड एक्स, चाहे एक्स जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कहीं पे भी आपको अगर कंफ्यूज हो बच्चों, तो आप तुरंत उसको कमेंट में भेजिए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया है, मैं उसका दोबारा से बना के आपको पर्सनली किसी बच्चे को मैं भेज दूंगा। ठीक ना, जिस बच्चे को डाउट हो उसका डाउट किसी भी दशा में दूर होगा। लेकिन अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, ठीक ना, तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भेजिए जो कि पढ़ें लोग। ठीक ना, मेरा मेन मकसद है कि जो बच्चे नहीं सक्षम हैं विद्यालय जाने में या उनको नहीं समझ में आ रहा है क्लास में, ठीक ना, तो एक बार थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ के इसको देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक, इसीलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ और कोई ये नहीं है बच्चों। अब देखो तीसरा, इसका इधर कर लेते हैं, जगह कम है। चौथे का तीसरा बच्चों है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर, सेम उसी पे चलना है। ठीक ना, अब देखो इसको हम माइनस मान लेंगे, माइनस टू एक्स को साथ ले चलेंगे, माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू वाई का होल स्क्वायर प्लस टू जेड का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस टू एक्स, देखो टू एक्स वाई था ना, तो एक्स वाई जेड, ठीक ना, तीनों को माने हैं, तो हो जाएगा प्लस थ्री वाई प्लस टू इंटू थ्री वाई इंटू टू जेड प्लस टू इंटू टू जेड इंटू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा नाइन वाई स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड का स्क्वायर। अब देखो ये एक माइनस है ना, तो ऐसे का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस दो दूनी चार, चार तीन बारह, बारह एक्स वाई, इसका तीन दूनी छः, छः दूनी बारह प्लस बारह वाई जेड प्लस दो दूनी, फिर यहाँ पे देखो गलती मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस होगा, पहले यहाँ पे चिन्ह आप लोग समझ के निकाल लोगे, देखो एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा ये जान लो, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ जेड एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, चलो इसी का आप चौथा करते हैं, अब ठीक ना, इसका चौथा कह रहा है बच्चों 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक ना, उसी पे हम करते जा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा इसको आपको और कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। अभी ऐसा कर लोगे
ठीक ना। अब देखो अब ए प्लस बी प्लस सी हो गया का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो थ्री ए का होल स्क्वायर है ना प्लस प्लस माइनस सेवन बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री ए इंटू माइनस सेवन बी। देखो स्टेप बाई स्टेप रखोगे तभी सही होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर स्टार्ट करना चाहोगे तो गलत हो जाएगा काम, ठीक है। प्लस टू इंटू माइनस सेवन बी इंटू माइनस सी, ठीक ना, माइनस सी है बच्चों ये, ठीक ना, माइनस सी प्लस टू इंटू माइनस सी इंटू थ्री ए। इसका करोगे स्क्वायर तो नाइन ए का स्क्वायर, देखो माइनस है दो बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस उनचास बी का स्क्वायर, ये माइनस है दो बार गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सी का स्क्वायर। इसका सात दुनी, देखो तीन दुनी छः, तीन दुनी क्या होगा बच्चों छः होगा, ठीक ना, तो तीन दुनी जब छः हो जाएगा आपका तो सात छक्का बयालीस, माइनस बयालीस ए बी प्लस, देखो ये भी माइनस है ए भी माइनस, देखो ए माइनस ए माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा क्या होता है प्लस होता है, सात दुनी चौदह, चौदह बी सी माइनस है माइनस आगे इधर, तीन दुनी छः ए सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो पांचवा, अब पांचवा देखो, पांचवा का आपका इसी का चौथे का पांचवा, माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर, ठीक ना। फिर उसमें यही काम कर लेना है, इसको उसको ब्रैकेट में कर लेना है, होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो इसको जब आप लोग करोगे तो ये ऐसा नहीं कि बहुत नहीं आएगा, है कुछ नहीं, सबको आएगा, ठीक ना। इसका माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस टू एक्स इंटू फाइव वाई, अरे सॉरी यार, प्लस ठीक ना टू इंटू इसका इसका गुणा करना है फाइव वाई माइनस थ्री जेड, ठीक ना, प्लस टू इंटू माइनस थ्री जेड इंटू माइनस टू है एक्स। अब सीधे गुणा कर देना सब कुछ आ जाएगा, देखो माइनस टू का दो बार गुणा होगा स्क्वायर, मतलब दो बार गुणा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर, ठीक ना, क्या जाएगा बच्चों चार एक्स स्क्वायर प्लस ये पाँच वाई का स्क्वायर, मैंने पाँच पच्चीस पच्चीस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस नाइन जेड का स्क्वायर, ठीक ना। आज जब इस सबका गुणा होगा तो माइनस दो दुनी चार, देखो माइनस अकेले तभी माइनस लगा दिया, दो रहता ना गुणा में दो को माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, आई को रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इतना याद कर लीजिए। फोर एक्स देखो दो दुनी चार, पाँचों को बीस, बीस एक्स वाई, ठीक ना, माइनस देखो एक हुआ तो माइनस कर दिया, माइनस पाँच दुनी दस त्याई तीस, तीस वाई जेड, दो गए फिर भी माइनस रहेगा यहाँ पे, देखो दो है दो हो गया, देखो दो तो माइनस, ठीक ना, तो तीन दुनी छः, छः दुनी बारह, बारह एक्स जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। कहीं पे भी कंफ्यूज हो तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा, ठीक ना। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा लाइट नहीं जलाए थे, धुंधलापन आ रहा था, अब लाइट जल के अब ठीक आएगा। अब देखो कौन सा बच्चों बताए हैं पांचवा ना, अब करते हैं तीसरे का चौथे का छठा, चौथे का छठा, ये हो जाएगा एक बटे चार ए माइनस एक बटे दो बी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, वन बाई फोर ए का होल स्क्वायर प्लस
माइनस एक बड़े दो बी का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाई फोर ए इंटू माइनस एक बटे दो बी प्लस प्लस दो गुड़े माइनस एक बटे दो बी गुड़े वन प्लस दो गुड़े वन गुड़े एक बटे चार ए। देखो बच्चों इस फार्मूले पे लिख रहा हूँ मैं, देखो ये कौन सा फार्मूला लगा है बच्चों, देखो ऊपर ले लेता हूँ इस फार्मूले पे, कंफ्यूज मत होना आप लोग, थोड़ा वीडियो के डर से मैं इतना तेज कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता इतना तेज। वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, यही फार्मूला तो लगा रहा हूँ, देखो अपने सर शंकाओं में ठीक ना। तो ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका बराबर, देखो एक बटे चार ए का होल स्क्वायर है ना, तो एक बटे चार, एक बटे चार का मतलब एक बटे सोलह ए का स्क्वायर प्लस देखो माइनस एक बटे दो बी गुड़े माइनस एक बटे दो बी, तो दो बार गुड़ा होगा स्क्वायर का मतलब दो बार गुड़ा, इसी संख्या का दो बार गुड़ा तो प्लस हो जाएगा, तो एक बटे दो, एक बटे दो का मतलब क्या हो जाएगा एक बटे चार अब बी का स्क्वायर प्लस वन, ठीक ना, प्लस क्या क्या आ जाएगा बच्चों वन हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा आपका, देखो ये दो से इसको काट दो, दो एक बटे दो यहाँ पे हो जाएगा, हाई माइनस एक है तो यहाँ पे होगा माइनस एक बटे दो गुड़े एक बटे दो एक बटे चार ए बी, ठीक है ना। इसको बुक में आपको ऐसे अगर लिखा होगा तो कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ को, ए बी बटे चार, ये चीज़ कन्फ्यूजिंग नहीं करना है, इसको गुड़ा करोगे तो ए बी बटे चार हो जाएगा, ठीक ना, वैसे भी कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक बेटा। अब ये होगा प्लस, हाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि एक तो माइनस है प्लस, अरे नहीं 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 एक तो माइनस होगा ना, माइनस दो से दो कट जाएगा, ठीक ना, तो माइनस के बी हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक साल हो गया, ये टू ये चीज़ आपका दिया है टू इंटू, अरे कट जाएगा यार टू हो जाएगा, तब हो जाएगा ये आपका प्लस एक बटे दो ए, ठीक ना, किसी को डाउट? नो सर, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका खत्म हो गया चौथा का पूरा, ठीक ना बच्चों। ये टोटल प्रश्नावली आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी ये वाला था, ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। चलो अब ये लास्ट वाला पांच करेंगे, इसमें इस वीडियो में कितना करेंगे बच्चों, पांच ही करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी होती चली जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब इसको देखते हैं, करें बच्चों गुणन खंडन कीजिए, क्या करिए गुणन खंडन कीजिए, ठीक ना। अब ये भी आपका टफ बिल्कुल नहीं है, एकदम आसे आसान है, ये दे रखा देखिए गुणन खंडन कीजिए, ठीक। अब ये मैं फार्मूला बता देता हूँ अभी आगे आपको, देख के एक बार इसको, पांचवा कह रहा है, पांचवा का पहला फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सोलह जेड स्क्वायर प्लस बारह एक्स वाई माइनस चौबीस वाई जेड माइनस सोलह एक्स जेड, समझ गए। चलो अब आपको इसमें ये देखना है, देखिए अब तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, इसमें फार्मूला क्या लगेगा ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये टोटल आपका दोनों क्वेश्चन मैं देख लिया इसमें, वो आपका इस फार्मूले पे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, इसी पे पूरा आपका फार्मूला है, आपको ये रूप दे रखा है, समझो इसको पहले, आपको ये रूप दे रखा है, ये रूप लाना है, समझे, ये रूप आपका दिया है, ये चीज़ आपका जो ये दिया है ये
वो ये रूप है, इसको हमको इसमें बदलना है। तो इसके लिए थोड़ा सा सतर्कता से दिमाग लगाना होगा, बस और कुछ नहीं है। ये रूप सबको दे लेते हैं, ठीक ना। तो देखो ये हो जाएगा, रुको एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, मतलब ट्रिक का क्या है, मतलब कि समझने के लिए बता रहे हैं। देखो आपको ये चीज़ यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद सर ये माइनस दे दिया है, यहाँ पे तो प्लस दिया है लेकिन क्या क्या यहाँ पे माइनस दे दिया है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, किसमें माइनस दिया है, इसमें और इसमें, इन दे रखा है माइनस, इसमें और इसमें आपको माइनस दे रखा है। तो इसमें माइनस वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। देखो 24yz, सुनिए पहले बात आप लोग सभी लोग ध्यान से, 24yz माइनस 16xz दोनों में किसका डबल बार नाम लिया हूँ। देखो जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, तो जेड क्या होगा आपका माइनस होगा, जेड वाला पोर्शन क्या होगा आपका माइनस होगा। चलो देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 2x² मिल जाएगा 4x² प्लस 3y² प्लस ब्रैकेट में माइनस 4z का स्क्वायर। मैं बोला हूँ ना जो कॉमन होगा दोनों में, जितना भी प्लस है उसमें जो कॉमन मिले उसको क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है बेटा, क्या लेंगे माइनस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो अब आगे इसको भी रूप दे लेते हैं, बस सत्यापित कर लेते हैं, प्लस दोगुणे, अब इसको मत देखो, इसका इस पे आप फार्मूला लगाते जाओ, ये आधा मैं कर दिया, आधे पे इसके बाद करते जाएंगे हम लोग, अगर ये मिलता जाएगा तो हमारा क्या होगा सरसम का सही हो जाएगी। दोगुणे पहले क्या होता है एक्स वाई, देखो 2xy है ना, देखो 2xy, तो एक्स है या वाई है या क्या है पूरा जेड है, तो 2 × 2x × 3y सबका गुणा कर दो, 4×3 12 12xy मिल गया ना, देखो सबका गुणा कर दो तो इसका मतलब कि हमारा सही जा रहा है, ठीक ना। अब ये जाएगा प्लस 2 × 3y × 3y माइनस 4z, क्या हो जाएगा माइनस 4z, ठीक ना। तो अब देखो ये माइनस 4 का यहाँ पे क्या होगा, इस सबका गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस 24, देखो 3 × 6 6×24 ही माइनस है तो माइनस 24 आ जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक ना, कन्फ्यूजन दूर रहेगा आपका। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस अगला स्टेप 2 × 2 माइनस 4z × 2x, ठीक ना बच्चों, ये आपका होगा, कहीं डाउट किसी को, नो सर। तो अब आप ये देखिए, ये आपका एक फार्मूला बन गया 2x + 3y − 4z² यही आपका फार्मूला बना है, समझे आप लोग, ये क्या बन गया आपका फार्मूला बन गया। इसको जब विस्तार करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए, इसका जब विस्तार करोगे तो ये चीज़ मिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक करके देखो ये मिलेगा आपको, ठीक ना। मैंने क्या किया बच्चों, इसी इस रूप दिया है, ये रूप दे दिया, स्टेप बाय स्टेप इसको करता गया और ये मैं भी लिखा, ये मेरा आंसर नहीं होगा अभी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y − 4z, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, वही लिख दिया। चलो ये लास्ट होगा इसके लिए, पांचवे का दूसरा, दो ही दे रखा है, ये लास्ट होगा, करा है 2x² + y² + 8z² − 2√2xy + 4√2yz − 8xz, ठीक ना। अब देखो यही वाला रूप दे रखा है, इसमें भी ये वाला रूप दे रखा है, ये वाला रूप लाना है, ठीक ना। फार्मूला सभी लोग देखते रहेंगे, बार बार फार्मूला लिखूंगा तो बहुत लेंदी होता चला जाएगा। अब देखो अब इसको सबसे अपने मन से करो, ये जो 2x² है इसको हम किस हिसाब से लिखें कि दोनों का गुणा करने पे
ये मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू एक्स का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट टू एक्स का दो बार गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे तो सीधे दे रहा है वाई का स्क्वायर प्लस आठ जेड का स्क्वायर दिया है। आठ को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर पे देखो आठ है ना, दो से काटो चार, दो से काटो दो, दो से काटो, इसका वर्गमूल दो निकल गया, बचा क्या अंडर रूट टू। क्या हो गया अंडर रूट टू। टू अंडर रूट टू का आप स्क्वायर करोगे तो आपको आठ मिल जाएगा। देखो दो अंडर रूट दो गुणे दो अंडर रूट दो, दो दूनी चार, अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो बराबर आठ। देखो मिल जा रहा है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे टू, इसको हम कर रहे हैं टू अंडर रूट टू जेड का होल स्क्वायर। अब प्रश्न आ गया कि सर इसमें आगे माइनस दिया है, आपने कहीं माइनस नहीं लगाया। अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बताया हूँ उसके पहले, ठीक ना, उसी हिसाब से माइनस इसमें लगा लेना है। माइनस क्या है, देखो एक तो यहाँ पे माइनस है आपका, माइनस टू अंडर रूट टू एक्स वाई प्लस फोर अंडर रूट टू वाई जेड माइनस एट एक्स जेड। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो टू अंडर रूट टू एक्स वाई आठ एक्स वाई, दोनों में नाम किसका किसका डबल वाला लिया हूँ, एक्स का इसमें भी है एक्स का इसमें भी है, तो एक्स वाला पद क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक ना। तो अब आपका यहाँ पे आपको मैं काम दे रहा हूँ, इसके आगे वाला पोर्शन आप करेंगे, ठीक ना, मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। इसके आगे वाला पोर्शन जैसे टू है ना, दो के साथ गुणा करना, ये सब आप लोग करेंगे, ये वाला पोर्शन आप लोग सभी लोग करके और मुझे भेजोगे कमेंट में कि सर हो गया ये चीज़, देखो ये चीज़ करोगे देखना यही मिलेगा, इसी फार्मूले पे आप लोग फैला के देखिएगा। अब ये आपको आपको मिल जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस अंडर टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर टू जेड का होल स्क्वायर, ठीक ना। और ये आपको मिल जाएगा माइनस अंडर टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर टू जेड एक ब्रैकेट में माइनस अंडर टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर टू जेड, ये आपका हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक ना। ये मैं काम दिया हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक करने के लिए, कर लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए।